में ऋषि सुनक की पार्टी की करारी हार हुई है। सुनक तो चुनाव जीत गए लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई। हम आपको बताते हैं सुनक को ब्रिटेन में बड़ी हार का सामना आखिर करना क्यों पड़ा। देखिए, ब्रिटेन चुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी की करारी हार हुई है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। लेबर पार्टी ने 650 सीटों में से 400 पार के साथ 14 साल बाद प्रचंड वापसी की है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव हुए थे। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए लिखा, आई एम सॉरी। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टॉर्मर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनक की हार की कई वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उनकी लग्जरी भरी लाइफस्टाइल को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, जिसके कारण लोग उन पर सवाल उठाने लगे थे। ब्रिटेन में 70 साल के इतिहास में टैक्स की दरें सबसे ज्यादा है। सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। खराब अर्थव्यवस्था कंजर्वेटिव पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह में से एक है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ब्रिटेन ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जिससे महंगाई तेजी से बढ़ी। सुनक की सरकार कर्ज पर सालाना 40 बिलियन पाउंड चुका रही थी। वो बढ़कर 100 बिलियन पाउंड हो गया, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा था। पार्टी की अंदरूनी कला भी सुनक की हार की बड़ी वजह मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 साल से सत्ता में बनी हुई है। पार्टी ने पिछले 14 साल में अब तक 5 प्रधानमंत्री बनाए हैं। एंटी इनकम्बेंसी को कंजर्वेटिव पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। वहीं ऋषि सुनक की लोकप्रियता का ग्राफ गिरने की वजह गैर कानूनी घुसपैठ को रोकने में नाकामयाबी, कोरोना महामारी के दौरान कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को मजबूती न दे पाना, इमिग्रेशन के मुद्दे पर लेबर पार्टी की नीतियों की काट न ढूंढ पाना भी माना जा रहा है। ऋषि सुनक के भारतीय मूल के होने पर प्रवासी भारतीयों को उन पर गर्व था, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीयों ने इस इमोशनल एंगल की जगह बदलाव को वोट दिया। वजह जो भी हो, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी अब 5 साल के लिए सत्ता से बाहर है और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टॉर्मर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देश भर में मॉनसून के आते ही कई राज्यों में बाढ़ से हालात बन गए। असम की बात करें तो 50 लोगों की यहां जान चली गई, तो उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। दिखाते हैं। देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है, हर राज्य में तबाही मच रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चिनाब नदी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। तो वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश की वजह से हो रहा जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का कहर है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम के 28 जिले के करीब 2500 गांव डूब चुके हैं। 11.5 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा डिब्रूगढ़ जिले के हालातों का जायजा लेने पहुंचे। ये तस्वीरें असम के नौगांव की हैं, जहां जंगल से निकलकर एक बाघ गांव पहुंच गया। उसने गांव में लोगों को भी घायल किया। बताया जा रहा है कि वहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें बारिश की वजह से पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब जानवर भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ में डूब गया है, जिसकी वजह से 17 पशुओं की मौत हो गई है।
हालत ये हो गई है कि काजीरंगा पार्क के गैंडे जंगल छोड़कर शहरों के अंदर पहुंच गए हैं। देहरादून में हुई भारी बारिश के कारण गुच्छू पानी के पास बने टापू पर 10 पर्यटक फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अखनूर में चिनाब, जम्मू तवी समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा हो गया। रामवाड़ी इलाके में इमारत का स्लैब गिर गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर को देखिए, इमारत के नीचे से स्कूटर से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से इमारत का एक हिस्सा धड़ाम से नीचे गिरा। लेकिन राहत की बात ये रही कि जब इमारत का स्लैब नीचे गिरा तब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस इमारत के हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 1 फीट नीचे धंस गया। वहीं करीब 45 करोड़ की लागत से बना ये पुल भी धंस रहा है। पुणे में पिकनिक स्पॉट पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने, गहरे पानी में उतरने, सेल्फी लेने और रील बनाने पर बैन लग गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने